क्या गाइज आपको भी डर लगा रहता है कि आपकी बाइक कहीं चोरी ना हो जाए? क्योंकि देखो इंडिया में अभी भी हर जगह सेफ पार्किंग नहीं होती। मॉल में हो तब तो सेफ है, या कहीं पार्किंग लॉट है वहां पे तो सेफ है, बट अगर आप कहीं मार्केट में जाते हो, ऑफिस में जाते हो, तो हर जगह आपको सेफ पार्किंग नहीं मिलती। तो ऐसे में डर रहता है कि आपकी बाइक कहीं चोरी ना हो जाए, या कि फिर आप अपनी बाइक को मोबाइल से ऑपरेट करना चाहते हो, मतलब अपनी बाइक के इग्निशन को मोबाइल से बंद करना चाहते हो या मोबाइल से ऑन करना चाहते हो, तो ये वीडियो इसी के ऊपर है। यहाँ पे हमारे पास प्रोडक्ट है स्पीडो ट्रैक का GPS डिवाइस, और इसको मैं RN5 में इंस्टॉल करने वाला हूँ। ये हमारे पास BS4 वेरिएंट है, इसमें हमने ऑलरेडी इंस्टॉल करके रखा है। अभी इस वीडियो में हम BS6 बाइक में इंस्टॉल करके दिखाएंगे कैसे इसको इंस्टॉल करना है, क्या क्या इसके बेनिफिट हैं, कैसे यूज़ करना है। बहुत ही काम का डिवाइस है गाइज। मतलब मैं एक छोटा सा आपको हाईलाइट दूँ तो वो ऐसा है कि मान लो आपकी बाइक कोई ले गया या चोरी हो गई, तो आप अपने मोबाइल से कमांड भेजोगे, मोबाइल से इंजन को ऑफ कर सकते हो, वहाँ पे प्रेस करोगे मोबाइल में, तो आपकी गाड़ी जो होगी अगर उसमें ये डिवाइस लगा हुआ है, वो बाइक दोबारा स्टार्ट नहीं होगी जब तक आप अपने मोबाइल से अलाउ नहीं करते हो स्टार्ट होने के लिए। बहुत ही काम का डिवाइस है। ये डिवाइस लगाते हो ना तो मुझे नहीं लगता कि आपकी बाइक कहीं से भी चोरी होगी, बिल्कुल सेफ रहेगी, और आपको मालूम चलता रहेगा कि आपकी बाइक में क्या हो रहा है, कोई छेड़खानी तो नहीं कर रहा, या कितनी स्पीड में चल रही है, ओवर स्पीडिंग तो नहीं हो रही, सब कुछ मिलेगा। तो चलो अभी इसको BS6 RN5 V3 में इंस्टॉल करते हैं, और इसकी जो लिंक होगी ना खरीदने की वो डिस्क्रिप्शन में है, तो वहाँ से आप इसको खरीद सकते हो। तो गाइज ये है ब्रांड न्यू RN5 V3 का BS6 मॉडल। इसमें अभी अपन स्पीडो ट्रैक का GPS डिवाइस इंस्टॉल करेंगे। आपको बता दूं कोई भी वायर कटिंग नहीं होगी, मतलब आपकी वारंटी बिल्कुल सेफ रहने वाली है। तो आओ पहले देखते हैं हमें इसके बॉक्स में क्या देखने को मिलता है। पहले तो आपको ये GPS डिवाइस मिलेगा स्पीडो ट्रैक की तरफ से, और साथ ही साथ में 12 वोल्ट का रिले मिलता है, और एक रिले सॉकेट मिलता है, और एक एयरटेल की सिम मिलती है। पहले आप जो ये राइडर की सीट को निकाल दो, यानी कि फ्रंट वाली सीट को निकाल दो, और उसके बाद गाइज आप देखोगे इग्निशन के नीचे एक आपको कपलर मिलेगा, जिसमें आपको एक ऑरेंज वायर रहेगा, एक रेड वायर, उसमें से जो ऑरेंज वायर है वो इग्निशन लाइन है। उसमें आप चेक कर सकते हो ऐसे कि जैसे आप इग्निशन लोगे ना तो 12 वोल्ट उसमें करंट आएगा। उस ऑरेंज वाले वायर को आप निकाल लो, ध्यान से निकालना, जो पिन होगी ना उसको बाहर कर लो, वायर को नीचे से निकाल लो, पिन भी बाहर निकाल लो। एक साथ आप दो वायर ले लो, थोड़े बड़े वायर लेने हैं, क्योंकि हम जो डिवाइस होगी ना, जो रिले होगा, उसको सीट के नीचे रखेंगे तो जिससे वहां तक आराम से पहुंच जाए। अब इसमें से ना एक वायर को आप कपलर में लगा दो, सिंपली वो पिन लेके, पिन आपको मार्केट में मिल जाएगी, वो पिन का यूज करके। जो दूसरा वाला वायर होगा ना, उसको आपको जो ये इग्निशन लाइन थी ना ऑरेंज वाली, उसमें लगा देना है, और इसको प्रॉपर आप टेपिंग करते जाओ, जिससे कि जी वायरिंग वगैरह आपकी प्रॉपर सेफ रहे। साइड पैनल अपनी फ्रंट वाली सीट के बगल में जो साइड पैनल होता है ना, उसको आप ओपन कर लो, एलन की से आप ओपन कर सकते हो, तो पूरा बाहर आ जाएगा। क्योंकि ये दो वायर थे ना, इसमें अपने को एक साइड जो डिवाइस है उसका इग्निशन वायर, यानी कि येलो वाले वायर को कनेक्ट करना है, उसी के साथ आप रिले का भी एक वायर कनेक्ट कर दो, ग्रीन वाला। जो दूसरा वाला वायर है उसमें रिले का दूसरा ग्रीन वाला वायर कनेक्ट कर दो, और इसको प्रॉपर टेपिंग कर दो आप ऐसे। डिवाइस में आपको एक वाइट वायर मिलेगा, वाइट वायर जो है वो डिजिटल आउटपुट के लिए है, जैसे आपको अगर बाइक लॉक करनी है ना तो इस वाइट वायर के थ्रू ही होता है, तो वाइट वायर को रिले के येलो वायर से कनेक्ट कर दो, प्रॉपर इसको भी टेपिंग कर दो। अब डिवाइस में आपको एक रेड वायर मिलेगा और रिले में एक वाइट वायर मिलेगा, इन दोनों को आप साथ में करके बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल पर लगा दो, ये कंटिन्यूस पावर सप्लाई करने के लिए है। और इसी साथ आप देखो डिवाइस में एक ब्लैक वायर भी मिलेगा, ब्लैक वायर को ना अर्थिंग के लिए हम बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल में अटैच कर देते हैं, तो अपनी पूरी वायरिंग वाला जो भी काम है हो चुका है। ये देखो रिले वगैरह सब हमने लगा के प्रॉपर साइड में रख दिया। अब देखो डिवाइस में
बैटरी का करंट आ रहा है, ये देखो ग्लो हो रही है इसकी लाइट, तो अपना मतलब डिवाइस जो है प्रॉपर काम कर रहा है। अब हम क्या करते हैं, ये सारे जो डिवाइस है रिले है उसको प्रॉपर यहाँ पे छिपा देते हैं और बिल्कुल फिक्स कर दो। आप टैपिंग वगैरह भी कर सकते हो जिससे कि सेफ रहे। क्या करना है कि स्पीडो ट्रैक जीपीएस का एप्लीकेशन डाउनलोड करो, वहाँ पे आपको आईडी पासवर्ड से लॉगिन कर लेना है और आईडी पासवर्ड से लॉगिन करके बाइक को रजिस्टर कर देना है। हमारा ओपन हो गया है, देख पा रहा हूँ मैं, यामा R15 इग्निशन ऑन। अब ये ऑनलाइन आ गया हमारा, इग्निशन ऑन, जीपीएस ऑन, बैटरी बैकअप, सारा चीज़ जो है ऑनलाइन आ गया। अब इसे हम गाड़ी को बंद करके देखेंगे। अब हम गाड़ी का स्टार्ट करेंगे। अभी देख पा रहा हूँ गाड़ी स्टार्ट हो गई है। अब इसे मोबाइल से ही ऑफ करेंगे। यहाँ पे जो है आपका लॉक कमांड में जाएंगे हम, यस करेंगे, पासवर्ड डालेंगे जो समथिंग जो भी पासवर्ड आपको मिला होगा, प्रोसेस जीपीएस में करेंगे। ये आप देख पा रहे होंगे गाड़ी बंद हो गई है। इनकेस अगर गाड़ी चोरी हो जाती है या आपका गाड़ी मिसयूज होता है तो आप अपने मोबाइल से ही गाड़ी को बंद भी कर सकते हैं। गाड़ी स्टार्ट कीजिए फिर से। आप गाड़ी स्टार्ट ही नहीं हो पा रही है। आप देख पा रहे होंगे कि पैनल में लाइट नहीं आ रहा है। जब तक हम फिर से कमांड नहीं भेजेंगे तब तक जो है कि ऑनलाइन नहीं आएगा, तो फिर से हम कमांड भेज रहे हैं। GPRS ये कमांड सक्सेसफुल। अब देखिएगा कि यहाँ पे ये लाइट आ गई है। स्टार्ट कीजिए गाड़ी को। अब ये गाड़ी देख पा रहे होंगे स्टार्ट हो गई है। अभी देख पा रहे होंगे इग्निशन अभी ऑन है, ये ऑफ हो जाएगा। अभी ये देख पा रहे होंगे इग्निशन भी ऑफ हो गया, यहाँ भी शो कर रहा है आपका इग्निशन ऑफ का, आपका अलर्ट भी आ गया है इग्निशन ऑफ। तो मेरे हिसाब से ये डिवाइस बहुत ही बेहतर है अगर आप अपनी बाइक को सेफ रखना चाहते हो। लिंक इसके खरीदने के डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप खरीद सकते हो। बाकी आप चाहो तो खुद से भी इंस्टॉल कर सकते हो, देखा आपने कितना इजी था। आप चाहो तो बाहर जाके किसी मैकेनिक से भी इंस्टॉल करवा सकते हो। वीडियो सही लगा वीडियो को लाइक करो, इन्फॉर्मेटिव लगा वीडियो को शेयर करो अपने सभी दोस्तों के साथ। बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। सी यू सून।